तो कैसे हो बंटाई की पब्लिक। तो पब्लिक सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ अपने लास्ट वन वीडियो की, जिसे देखकर कल कुछ लोग डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं। सो वो लोग कह रहे हैं कि मैंने उस वीडियो में फेक न्यूज दिया है। तो पब्लिक, मैंने आपको जो एमवे बंटाई की शूटिंग की वीडियो को दिखाया उसमें मैंने ये नहीं बोला था कि ये एमवे बंटाई के सॉन्ग की शूटिंग है। बस मैंने ये बोला था कि अगर एमवे बंटाई का कोई सॉन्ग का शूट होता है तो उनकी टीम उनके साथ ही होती है, और बंटाई रिकॉर्ड से किसी आर्टिस्ट का भी अगर कोई शूट होता है तो एमवे बंटाई भी उनके साथ स्पॉट होते हैं। तभी स्वलीना और गालिब के शूट पर अपने एमवे बंटाई स्पॉट हुए थे, और जिसकी वीडियो मैं कल आप सबको दिखा चुका हूँ, जिसमें अपने एमवे बंटाई उस वीडियो में साफ साफ नजर भी आते हैं। मैंने उस शूट की वीडियो के लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया था। सो इस चीज को भी आप लोग अगर फेक न्यूज बताते हो तो भाई बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। बाकी पब्लिक कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, हम सब फैन पिछले साल से एमवे बंटाई और लैजरस के डेट्रॉइट टू एंटोफिल एल्बम का कितना ज्यादा वेट कर रहे हैं, पर इस एल्बम का हर बार की तरह कुछ भी परफेक्ट न्यूज नहीं आती है। सो एक बार फिर से इस एल्बम को लेकर लैजरस की तरफ से एक न्यूज आई है, जिसमें वो कल अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी को शेयर करते हुए जिसमें वो लिखते हैं कि डीटीए गेटिंग क्लोजर इंशा अल्लाह। बाकी पब्लिक देखते हैं कब तक ये एल्बम आती है। इसके अलावा बात करते हैं अपने जादू भाई के बारे में। तो आप सबको याद होगा काफी पहले एमवे बंटाई और इसके बीच में एक ऑफिशियल बाप वाला सीन चल रहा था, और एमवे बंटाई ने इसको अपने एक पोस्ट के जरिए काफी गंदा पेला भी था, जिसको देखने के बाद इसको पता भी चल गया था कि ऑफिशियल बाप कौन है। सो अभी रिसेंटली इन भाई का एक सॉन्ग आया है, जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसने फिर से वही चीज लिखी है, लेकिन असलियत तो आप सबको पता ही है ऑफिशियल बाप कौन है। बाकी पब्लिक बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो जैसा कि मैं आप सबको काफी बार बता चुका हूँ कि यंग गालिब भाई का वुल्फ ईपी काफी जल्दी आने वाली है। सो कसम से ये ईपी भाई ज्यादा ही खतरनाक होने वाली है, क्योंकि इस एल्बम को लेकर गालिब भाई ने परसों अपनी एक पोस्ट को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा था कि हम वन साइडेड इंडस्ट्री में बिना कोई हैंडशेक के। तो गालिब भाई ने ये जो चीज लिखी है भाई बिल्कुल तगड़ी चीज लिखी है। सो सही में पूरे हिप हॉप इंडस्ट्री में बिना हैंडशेक के इन्होंने आग लगा रखा है। तो बंटाई की पब्लिक आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।